वीकेंड है, अब आप कहेंगे क्रिसमस वीकेंड पे ये गेंद हाथ मिलेगी, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज 83 रिलीज हुई है और 83 के सैयद किरमानी ऑन स्क्रीन, सैयद किरमानी, साहिल खट्टर हमारे साथ हैं। साहिल, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। मैंने आपसे ना सवाल पूछ रखा है पहले, जब हम इंतजार करा करते थे अपनी बारियों का बैटिंग करते थे इसी ग्राउंड पे। लेकिन मैं ना चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कैसा एक्सपीरियंस है ना इन लेजेंड्स के साथ आप बैठ के इनकी कहानियाँ खुद सुन रहे हो, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहानियाँ हैं 83 की। यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक्चुअली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। इन लोगों के सिर्फ नाम सुने थे, कपिल देव, सैयद किरमानी, बाकी सारे जितने भी क्रिकेटर्स थे, पर उनके साथ बैठकर उनकी कहानियाँ सुनना ऐसा लग रहा है जैसे हम किताबों में खुद घुस गए हैं। बिकॉज इन लोगों ने ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, इनके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, और उन्हीं का फल है जितनी भी ये फिल्म बनी है। ये स्टोरीज ही हैं जो फिल्म के अंदर हमने तब्दील करके आपको पर्दे पर दिखाने वाले हैं या दिखा रहे हैं। ये जब बात हुई ना कि विकेट कीपिंग करनी है, तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आया यार बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत एजिलिटी चाहिए, रिएक्शन टाइम कम चाहिए। फिर थैंक गॉड कि मैंने एक स्पोर्ट खेला हुआ है इंडिया के लिए, विच इज़ कॉल्ड रोलर हॉकी। तो रोलर हॉकी में मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल है एशियन गेम्स में इंडिया के लिए, तो वो जो मेरा स्पोर्टिंग बैकग्राउंड है वो बहुत काम आया, रिफ्लेक्सेस को लेकर, डाइव्स को लेकर। ये ज़रूर है कि इंजरीज बहुत होती थी मुझे, कभी ऐसे बैक पे हो गई, लोअर बैक, कभी एंकल टूट गया, कभी यहाँ पे घसीटे लग गई हैं, क्योंकि हम टर्फ पे डाइव मार देते, ये घास डाइव मारनी है नहीं, है नहीं। हाँ। सच्ची बताऊँ ये टर्फ है विच इज़ प्लास्टिक। हाँ। तो बलविंदर सिंह संधू भी कहते थे, जो हमारे कोच है, कि यार तुम्हारे को ना यूके जाके करवाएंगे हम डाइव। मैंने कहा क्यों करवाओगे, यहाँ प्रैक्टिस करवा दो ना। फिर यूके जाके डाइव तो करवाई, पर इतना ज़रूर था कि यार विकेट कीपिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि शूट के दौरान ना भाई हर रोज़ के कम से कम 250 स्क्वाट हो जाते थे। मैं जितने लोगों को जानता हूँ पर्सनली, में सबसे एनर्जेटिक साहिल खट्टर है, और मैंने सुना है कि रणवीर सिंह इज ऑल्सो वेरी एनर्जेटिक। तो ये जो दो एनर्जेटिक लोग जब मिले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ऐसा था कि वहाँ पे गांव में लाइट नहीं आती थी। फिर जब हम दोनों मिल गए पर जोक सपाट, रणवीर और मैं, एक्चुअली सही कह रहे हो आप, एक लाइन है इंग्लिश गाने की, व्हेन अ वोल्केनो मीट्स अ टॉर्नेडो, वो वाला वाइब है। और वो नहीं है फोर्स ऑफ इनर्शिया, इमूवेबल ऑब्जेक्ट, अनस्टॉपेबल फोर्स, ऐसा हो जाता है। हम दोनों जब खड़े हो जाते थे ना, मैं ऐसा कीपिंग कर रहा होता था, भाई स्लिप पे खड़े होते थे कभी कभी, तो हम दोनों चल रहे होते और हम पैरोडीज बड़े बनाते थे गानों की, बट अनफिल्टर्ड थे, तो मैं बता नहीं सकता कौन सी क्या।